क्या लाल किले का रंग कभी सफेद हुआ करता था? जाने इससे जुड़े ऐसे ही 10 फैक्ट्स के बारे में। लाल किला भारत की प्रमुख ऐतिहासिक इमारतों में से एक है। आजादी मिलने के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी किले की प्राचीर से पहली बार देश का नाम संबोधन किया था। तब से हर साल लाल किले पर ही आजादी का जश्न मनाया जाता है। इस किले का निर्माण पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। साल 2007 में इस किले को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया था। लाल किले के बारे में एक बात ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, वो ये है कि इसका असली रंग लाल नहीं बल्कि सफेद है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि लाल किले का असली रंग लाल है, इसी वजह से इसे यह नाम मिला। लेकिन असलियत इससे कुछ अलग है। लाल किले को भले ही इसके वर्तमान रंग की वजह से लाल किला कहा जाता हो, लेकिन यह बनते वक्त ऐसा नहीं था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मुताबिक इस इमारत के कई हिस्से चूना पत्थर से बनाए गए थे, जिसकी वजह से इसका रंग सफेद था। लेकिन वक्त के साथ जब वो खराब होकर गिरने लगे तो ब्रिटिशर्स ने उस पर लाल रंग करा दिया। इसी वजह से बाद में इसे लाल किला कहा जाने लगा। लाल किले का असली नाम किलाए मुबारक है। भले ही इस किले को आज लाल किला के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका नाम किलाए मुबारक है। मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। शाहजहां के बनाए इसी किले में करीब 200 साल तक मुगल परिवार के वंशज रहे। सन 1857 में हुई क्रांति के बाद इस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो हीरा आज इंग्लैंड के पास है, वो हीरा कभी इसी किले में रखा हुआ करता था। दुनिया का सबसे बड़ा कोहिनूर हीरा भी एक वक्त पर इसी इमारत में रखा हुआ था। दरअसल शाहजहां ने जिस तख्त पर बैठा करते थे, ये हीरा उसी में लगा हुआ था। ये सिंहासन सोने से बना था और उस पर बेहद कीमती पत्थर लगे हुए थे। कोहिनूर लगा ये तख्त दीवाने खास में रखा रहता था। लाल किला में कई प्रमुख इमारतें थीं, जिसमें से दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हीरा महल, रंग महल, खास महल, हयात बख्श बाग प्रमुख है। आम जनता की तकलीफें सुनने के लिए दीवाने आम बनाया गया था। वहीं दीवाने खास में बादशाह अपने मंत्रिमंडल और सभासदों की सभा बैठाते थे। किले में बने हमाम के पश्चिम में मोती मस्जिद बनी है। ये औरंगजेब की निजी मस्जिद थी। तीन गुंबद वाली ये मस्जिद तराशे हुए सफेद संगमरमर की बनी है। दिल्ली का ये किला भी आगरा के ताजमहल और किले की तरह ही यमुना नदी के किनारे बना है। इसी नदी का पानी किले को घेर कर आसपास बनी खाई को भरता है। लाल किले के पूर्व उत्तर की ओर एक पुराना किला भी है, जिसे सलीमगढ़ का किला भी कहते हैं। सलीमगढ़ का किला इस्लाम शाह सूरी ने सन 1546 में बनवाया था। इस किले के बारे में कुछ मत ये भी हैं कि लाल कोट का किला राजा पृथ्वीराज चौहान का बनवाया हुआ है, जो उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में इस पर शाहजहां ने कब्जा करके इसमें हेरफेर कर दिया। अब ये उस बार की बातें हैं, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कुछ वक्त तक सिखों का भी कब्जा रहा लाल किले के ऊपर। मार्च 1783 को सिखों ने लाल किले में घुसकर दीवाने आम पर कब्जा कर लिया था। इस दौरान मुगल वजीरों ने सिखों के सामने समर्पण कर दिया था। ये काम करोर सिंघिया मित्सल के सरदार बघेल सिंह धालीवाल के नेतृत्व में हुआ था। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि अंग्रेजों ने लाल किले के अंदर तोड़फोड़ भी की थी। मुगल सल्तनत के पतन और 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने इस किले में आर्मी हेडक्वार्टर बना लिया था। अंग्रेज यहां रखे सभी कीमती सामानों को लूट कर ले गए थे। यहां तक कि उन्होंने यहां पे ज्यादातर महलों और इमारतों और बागीचों को नष्ट भी कर दिया था। किले पे दो गेट बने हुए हैं। लाल किले के दो प्रवेश द्वार हैं, पहला दिल्ली गेट और दूसरा लाहौर गेट। दूसरे गेट का नाम लाहौर गेट इसलिए भी पड़ा था
क्योंकि लाहौर जाने का रास्ता उसी दिशा से था जहां यह बना था। इसी किले में शाहजहां का महल भी था। लाल किला मुगल बादशाह शाहजहां की नई राजधानी शाहजहानाबाद का महल था। शाहजहानाबाद उस वक्त के दिल्ली शहर की 7वीं मुस्लिम नगरी थी। एक वक्त पर यहां करीब 3,000 लोग रहा करते थे। यह किला 10 साल में बनकर तैयार हुआ था। इस किले का निर्माण शाहजहां ने कराया था और इसे बनने में 10 साल लगे थे। यह किला सन 1638 में बनना शुरू हुआ था और सन 1648 में बनकर तैयार हुआ था। शाहजहां ने इसका निर्माण अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने के दौरान किया था। उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद की निगरानी में यह किला बनकर तैयार हुआ था। ये दोनों ही इसके वास्तुकार या फिर आर्किटेक्ट थे। तो ये थी लाल किला से जुड़ी हुई कुछ 10 ऐसी बातें जो शायद आपको पता थी या आपको नहीं पता थी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि लाल किले से जुड़ा ऐसा कौन सा फैक्ट था जो आपको हैरान कर दिया था। तब तक मिलते हैं आपसे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड यू हैव अ ब्यूटीफुल डे।